जल्दी से शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, अंडे का मास्टम बना रहे हैं तो सबसे पहले अंडा तो चाहिए ही होगा, लेकिन हमें पूरा अंडा नहीं चाहिए, अंडे की सफेदी चाहिए हमें 2 चम्मच। अंडे की सफेदी और जर्दी अलग अलग कर लें, 12 लाख को सिर्फ सफेदी के 2 चम्मच चाहिए। अंडा कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि अंडा देसी चल सकता है, तो अंडा देसी भी चल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, 2 चम्मच मैंने अंडे की सफेदी की ले ली। अब इसमें बाकी चीजें ऐड करने वाली, जरा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास मैदा है, आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैदे का डालना है, या आप जितना ज्यादा बनाना चाह रही हैं उस हिसाब से 1-1.5 चम्मच जो है वो इसमें मैदे का आप शामिल कर लें। उसके बाद जो हम इसमें तीसरी चीज शामिल करने वाले हैं वो है शहद। जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता वो इसको ना डालें, लेकिन अगर डालें तो आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। 1/2 टीस्पून सिर्फ, ज्यादा शहद नहीं डालेंगे इसमें। 3 चीजें हो गई। चौथे नंबर पर इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, 1/2 टीस्पून। अगर आप इसे अपने हाथ पांव पे इस्तेमाल कर रही हैं तो पूरा टीस्पून शामिल करें, गर्दन के लिए भी पूरा टीस्पून इस्तेमाल करें, चेहरे के लिए 1/2 टीस्पून। अब मेरे पास 1/2 लीमू का रस इसमें ऐड करूंगी मैं। 1/2 लीमू से जितना भी रस निकलेगा आप इसमें ऐड कर दीजिए। तकरीबन 1 या 1.5 चाय वाला चम्मच इसमें से निकल आता है टीस्पून यानी, तो वो आपने इसमें ऐड कर देना। तमाम चीजें जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लीच की तरह फूलना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से ब्लीच क्रीम फूल के फॉर्म की शक्ल में आ जाती है, इसी तरह से ये ब्लीच भी हमारी होममेड ब्लीच बनेगी। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने इसको फौरी अप्लाई नहीं करना, जैसे जैसे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। ये बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में आ गया है। अब आपने इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए, क्योंकि फॉर्म की शक्ल में अप्लाई करना काफी मुश्किल होगा जरा, तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा और वैसे भी इसकी क्लियर नहीं आएगी। अगर आप इसी तरह से अप्लाई करें तो आप इसके 2 से 3 कोट जो है वो अप्लाई करें एक बार ड्राई हो जाने के बाद, तो ये आपको आगे चल के बताते हैं कि आपको आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। 1-1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये इसका जो है वो अपनी असली हालत में आ गया। आप इसको अप्लाई करना आसान रहेगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा मैदा और या मुल्तानी मिट्टी, यानी कि अगर एक चीज आपने पहले मैदा मिलाया तो मैदा ही मिलाएंगे, मुल्तानी मिट्टी मिलाई है तो मुल्तानी मिट्टी के थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब अगर तो आप इसमें कुछ चीज मिला के इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं तो 1 लेयर काफी है, 1 लेयर को ही 25 मिनट दे दें। अगर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आप इसको 1 लेयर को 10 मिनट लगा रहने देंगे, ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा कोट दूसरी लेयर और अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको आपने अगर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डाला है तो आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पे करें, जिस्म के किसी हिस्से पे भी कर सकते हैं, तो इसको ड्राई हो जाने दें। जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मेरे नए दोस्त जो पहली दफा वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुरख बटन नजर आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, उसके साथ एक बेल का बटन बनेगा, उस घंटी पे क्लिक करना नहीं भूलना आपने, इससे आपको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और आपको आगे चल के बताएंगे कि आपने क्या करना है। सेंसिटिव जिनकी स्किन है, स्किन पर किसी भी किस्म की एलर्जी हो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया और तकरीबन इसको 15 मिनट जो है वो ड्राई होने के लिए लगे थे। उसके ऊपर मैंने 1 लेयर खुद से और अप्लाई कर ली थी, तो ये 2 लेयर है मेरे हाथ के ऊपर जो है, और आप देख रहे हैं कि दूसरी लेयर जो है वो जरा जल्दी ड्राई हो जाती है, पहली लेयर को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये इतना ड्राई आप देखें कि आपकी स्किन एकदम से टाइट हो गई है और ये आपके जो लार्ज ओपन पोर्स यानी खुले खुले बड़े मसाम जो है उनको बंद करेगा, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा। स्किन टाइट करने का मास्क मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने वीडियोज अपलोड भी की हुई है बट ये हमने काफी टाइम के बाद अपलोड किया है। अगर आपके चेहरे पर जो है वो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है उस पर अप्लाई करने के लिए, मसाम बंद करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, व्हाइट करने के लिए, आपकी स्किन पर बहुत खूबसूरत सा ग्लो आएगा, डार्क स्पॉट है चेहरे पर वो जाएंगे, इससे आप देखेंगे आपकी स्किन में बड़ी खूबसूरत सी चमक और शाइनिंग आएगी।
मैंने ये आपको बताने के लिए इसके ऊपर थर्ड लेयर अप्लाई करके दिखाई है, मतलब कि दो लेयर्स काफी होंगी। आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, अगर आपने ठीक बनाया तो एक ही लेयर काफी है। अब फाइनली मैंने इसको वॉश कर दिया। एक दफा वॉश कर लेने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। ये मेरा सेकेंड हैंड देख लीजिए, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है अगर आप गौर से देखें तो। लेफ्ट हैंड मेरा काफी फ्रेश नजर आ रहा है और काफी फेयर है राइट के निस्बत, और एकदम से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। चेहरे पर अप्लाई करें, चेहरे पर भी इसी तरह का ग्लो आएगा। अब ये लास्ट में मेरे पास सूपिंग लोशन, मैं तकरीबन आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका मेरा कोई खास कनेक्शन है, तो जिन लोगों को ये नहीं मिलता वो किसी भी व्हाइटनिंग लोशन से जो है अपने हाथ पर मसाज कर सकते हैं। तो ये सूपिंग लोशन से अगर आप मसाज लास्ट पे ब्लीच करें, फेशियल वगैरह करें, पॉलिशिंग करें, तो आप ये लाजमी है कोई होममेड ब्लीच या कुछ भी आप उपटन वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके बाद लाजमी इसका मसाज करें। इससे इचिंग नहीं होती, खारिश नहीं होती, स्किन रेड नहीं होती, रैशेज नहीं होते स्किन पे, या किसी किस्म की कोई जलन महसूस नहीं होती आपको। और ये वैसे भी ब्लीच पे शामिल करो तो आपकी ब्लीच का रिजल्ट डबल कर देता है। और ऐसा हर वीडियो में आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए होते हैं तो उनको पुरानी वीडियोस का नहीं पता चलता, इसलिए थोड़ा बहुत रेफरेंस देना लास्ट में था। अब एक डेढ़ मिनट इसका मसाज करेंगे बस इसको छोड़ देंगे एंड दैट्स इट। इसको आपने अगर 10 दिन या 15 दिन रेगुलरली कर लिया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपको किसी भी व्हाइटनिंग टिप, व्हाइटनिंग मास्क या क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने ये नहीं कि एक दफा रिजल्ट आ गया तो इसको छोड़िए, कुछ ना कुछ स्किन पर अप्लाई करते रहना चाहिए बट अच्छे वाला। यहाँ पे भी आप इसका फर्क देख सकते हैं दोनों हाथों में। तो आप इवन के सिर्फ तिब्बत क्रीम भी रात को लगाते रहें या पैरन लगती रहे बट लगाते रहें ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो रिजल्ट है वो बरकरार रहे। और धूप छांव से, मिट्टी डस्ट और किचन में हम काम करते हैं, चूल्हे के करीब जाने से स्किन जो डैमेज होती है वो नहीं, और आपकी स्किन साथ के साथ रिपेयर होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसी को परमानेंट व्हाइटनिंग कहते हैं, क्योंकि आपको फिर कोई खास टेंशन नहीं लेनी पड़ती है स्किन पे ग्लो लाने के लिए, उसको व्हाइट एंड ब्राइट करने के लिए, कि अगर हम उसकी केयर करते रहे। अगर एक दफा रिजल्ट मिल गया और छोड़ दिया तो आप ये तय कि एक दफा कपड़े पहन लेने के बाद उसको एक साल वॉश ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है गंदा तो हो गई। उम्मीद करती हूँ सादा सी मसाज से भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आज का लेसन मत समझिएगा क्योंकि ये लेसन नहीं था, लेसन की तरफ हम आप जाएंगे। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अपनी जुबान को सलाम करने का आदि बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। और यह हकीकत है, हम लोग मतलब अब यूं ही करते हैं कि उसने मुझे बुलाया नहीं कहीं, मैं उसने मुझे बैठे हुए देख लिया, उसने मुझे सलाम नहीं किया तो मैंने कहा मैंने भी क्यों करना। हो सकता है उस बेचारे ने या बेचारी ने देखा ही नहीं और हम लोग खाम खाम में जो है वो खुद से भी सलाम नहीं किया, तो सलाम करने में हमें इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।